गाड़ी देख कैसे चल रही है, एडवेंचर बड़ा भारी। ये कैसे रास्ते पूरी तरीके से फंसी पड़ी है। बाइक की थार ट्रैवलिंग मंडे, दोनों गाड़ियां है। राजस्थान में श्रीनाथ जी टेम्पल पहाड़ बना, कमर्शियलाइज हो गया। लुक एट द ब्यूटी, इंजीनियर आदमी समझ सकते। हम शिकार कर रहे हैं, भाई ने अपने टेंट। ए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर इन राजस्थान। ये बाइक की थार, ऊपर रूफ टॉप टेंट खुला है, और ये अपनी गाड़ी। इसका टेंट वैसे तो मैंने पैक कर दिया था, लेकिन हमने हमारी हट को खोल लिया था कल रात। तो 3 बज गए थे सोते सोते, सुबह 8 बजे उठ गए। यहाँ अभी बढ़िया से कुछ कुकिंग करेंगे, एंड आफ्टर दैट निकलते हैं। आज की कोई नई लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड रास्ते में कोई एक आध जगह आएंगे तो उसको एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। थोड़ी सी धूप अगर कम होती तो और एंजॉय करते। हर मौसम जरूरी है, हर मौसम जरूरी है। और कैंपिंग लाइफ, चिल लाइफ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। गई है भाई, चाहे हमने सोचा शायद लेपर्ड तो दस्तक देगा। लेपर्ड तो आता है शिकार के लिए, तो आता ही होगा। और ये हमारे वीडियो में आ गया ट्रैवलिंग मंडे। ऐसे थोड़ी चलता है यार, कितनी चाय पीते हो भाई। इस जगह पे हमारा स्टे था यार, बहुत ही बढ़िया जगह थी, बड़ा पीसफुल था, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इतनी बातें करते हैं, उस चक्कर में क्या होता है कि डेली लेट सोते हैं। रेडी हो गया सारा सामान, हमने पैकिंग कर लिया है। ये हमारी दोनों गाड़ियां पैक हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से आगे। रास्ते में एक मंदिर आएगा बड़ा सा, नाथ द्वारा टेम्पल, वहाँ रुकेंगे। देखो वो होते हैं टूरिस्ट जो कचरा फैलाते हैं, हमें ट्रैवलर राइट। साफ जगह मिली थी, साफ छोड़ी है। वो बोतल इसलिए छोड़ी है 4, क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया था कि यार आप बोतल छोड़ जाना। देखो यार कितना तगड़ा रास्ता चूज किया था कल हमने, काफी एडवेंचरस रास्ता कह सकते हैं इसको। सामने की साइड में कुछ काम चल रहा है। कौन कहता है राजस्थान में पहाड़ नहीं है, पहाड़ है तो डेंजरस रास्ते नहीं है, सब है दोस्त। राजस्थान की ब्यूटी अनबीटेबल है दोस्त। जब आप गाड़ी धुलवाते हो ना, तो 2 दिन तक आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरी गाड़ी साफ रहनी चाहिए। गाड़ी गंदी रहेगी थार, अच्छी रह ही नहीं सकती। एक तो ब्लैक कलर है, ये कभी साफ रह ही नहीं सकता। स्टैच्यू जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में है अभी, और पहले थोड़ा मथा टेकेंगे। खूबसूरत मार्केट है यहाँ का श्रीनाथ जी मंदिर, तो यहाँ पे काफी अच्छी सी मार्केट लगी हुई है। एवरीबॉडी, ये है श्रीनाथ जी टेम्पल। पता चला कि मंदिर ही बंद है। हम तो चल के आए थे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। कुछ तो पाप किए दोस्त, अंदर जरा सी भी शूटिंग अलाउड नहीं है, तो हम क्या बिल्कुल अंदर तो गए नहीं, अंदर तो बंद था। तो आसपास जो भी मंदिर देख दो, उन्होंने मथा टेक के आ गए। हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एक छोटा सा सागर बना हुआ है, तालाब टाइप कहते हैं। वहाँ पे बहुत कलरफुल मछलियाँ हैं। ये देखिए, ये है तालाब, काफी कलरफुल मछलियाँ, इतनी खूबसूरत मछलियाँ। तो ये मछलियाँ कोई किसी टूरिस्ट ने इसमें आके डाली है कहते हैं। हाँ, 4 छोड़ी थी कहते 9,000 हो गए। अभी हम निकल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जो स्टेचू बना हुआ है उधर गाड़ी लेके ही। तो एग्जैक्टली आपको इस जगह आना ना, तो मीरा बाजार में ये एक जगह बनी हुई है, वो सामने है भगवान भोलेनाथ का स्टैचू। नाथद्वारा दर्शन करके आ चुके हैं गाइस, हम अभी राजसमंद में। ये देखिए, ये है राजसमंद में, मार्बल स्लरी का पहाड़ बना हुआ है। वैसे तो मार्बल की डस्ट है ये। लास्ट टाइम मैं बाइक लेके उस कॉर्नर तक गया था, यहाँ कमर्शियलाइज हो गया भाई, यहाँ भी हर चीज का कॉस्ट देना पड़ता है। हम अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं आगे। यहाँ से नजारे देखो आसपास के, कितने खूबसूरत है, और माउंटेन्स है। इन पहाड़ों के अंदर जो माइंस होती है, वहां से निकलता है पत्थर, जिसको काट काट के घिस घिस के निकाला जाता है, तो उससे ये पाउडर बनता है जिसको स्लरी बोलते हैं। उसको ट्रकों में ला के यहाँ गिराया जाता है। इसका हमारा लंच भाई कॉर्नर में लगे है। ये देखिए बिल्कुल खेतों के बीच में। Hey guys, क्या हाल चाल आप सभी के, होपफुली से बढ़िया होंगे। वेलकम टू ब्लॉग चैनल। और अभी हम हैं राजसमंद के ही कोई गांव में, और यहां से आज निकलेंगे आगे की कैंपिंग ट्रिप पे। टाइम 2 बजने वाले हैं। अरे यार, इस टायर में हवा कैसे कम होगी दोस्त, कैसा ही लग रहा है मुझे। नहीं, इस टायर में तो हवा, इसमें हवा बहुत कम हो रखी है यार, शायद कोई हल्का पंक्चर या ऐसा कुछ हो गया हो। इंसुलेटर निकालते हैं, इसमें हवा डालते हैं। टाइम टू गो। यहाँ अपना स्टे था इस छोटे से विलेज के अंदर। अभी हम एक एडवेंचर करने वाले हैं आज। भाई बोल रहा है कि एक एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस है टोल बचाना। कहता गांव के रास्ते में घुसाते हैं। टोल बचाना कोई बहुत बड़ा टोल नहीं है, सिर्फ 60-65 रुपए का ही है, लेकिन एक्सपीरियंस करना है ना, वो एडवेंचरस होगा।
ये देखो रास्ते कैसे, गाड़ी देख कैसे चल रही है आगे वाली। थार जैसी गाड़ी लेके ऐसे पत्थरों के बीचों बीच घूमने का एक अलग मजा है। तो पत्थर ही पत्थर पड़ा है और पत्थरों के बीच से होते हुए हम निकल रहे हैं अभी। ये देखो कैसे ऊपर तक आई पड़ी है गाड़ी, पूरी स्क्रैच से भर लेंगे हम जिस तरीके का मुझे लग रहा है। ये ऐसे एक्सपीरियंस कई बार भारी पड़ते हैं, एडवेंचर पड़ा भारी। ये कैसे रास्ते हैं भाई, ये तो फंस गए हम, तो फंस गए। ये तो बाइक वाले रास्ते हैं जिसपे हम गाड़ी ले आए और गाड़ी फुल स्क्रैचेस में भर ली। ये 60 रुपए का टोल बचाना पड़ा, बहुत भारी। अरे यार रस्तों से हैं बहुत पतले पतले और यहाँ आके गाड़ियां फंसा ली हमने। देखो इस तरफ निकलने की जगह भी नहीं है ढंग से और ऐसे पतली पतली जगह से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई देखो, अरे यार किधर फंसा पड़ा है, गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं छोड़ी। हाँ अरे सीताफल है ये, सीताफल। और यहाँ हमारी गाड़ियां कैसे बुरी तरीके से फंसी पड़ी है, वो देखो कैसे एज टू एज खड़ी है गाड़ियां। यार कैसे कैसे करके वापस विलेज के अंदर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से यू टर्न दिया, पूरी गाड़ी पे स्क्रैचेस। भाई किस मुंह से गाड़ी दूं तुझे। देखो स्क्रैचेस देखो आप, ये देखो ये देखो ये देखो, अभी तक ये मिट्टी है इस पे, एक बार हटेगी तब पता लगेगा क्लियरली। ये देखो नीचे रह गए हैं निशान बहुत सारे। ये देखो ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करूंगा मैं। और इस तरफ भी सेम ही कंडीशन है, ये देखो किस तरीके से टकराए हैं। देखो साले को पेल लूंगा मैं तुझे, बच ले तू। बात ऐसे है, कौन कहता है यूट्यूबर के पास बहुत पैसा होता है। देखो 900 रुपए का तेल डलवाया यार, पैसा खत्म हो गया भाई, आगे की ट्रिप कैसे करेंगे। नहीं गैस बजा की सो बात है, अभी कैश नहीं था। एंड वैसे सही बताऊं तो पैसे खत्म भी हो गए हैं। लुक एट द ब्यूटी, ये कॉफी बन गई है, ये कोई लोकेशन है, यहाँ हमारी गाड़ियां खड़ी है। अब दोनों यहाँ बैठ के कॉफी एंजॉय करेंगे, अभी सनसेट भी होने वाला है। और आज का सोचा तो हमने बिसलपुर डैम पहुंचे, लेकिन दूर बहुत पड़ा है अभी भी बिसलपुर। तो यार खाना पीना हमारा हो गया, यहाँ से जस्ट कॉफी पिए इस लोकेशन पे, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन थी। और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ सनसेट का नजारा, अभी तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा थोड़ी सी देर में, राह में चलते चलते सनसेट भी होते देख लेंगे। भीलवाड़ा शहर आ गया है, कर लिया हॉकिंग का, ये काम आएगा हमारे कैंपिंग में। और एक ये बोतल का सेट लिया, और अभी हमें रिलायंस में, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। भाई अभी कहता बुट्टे किधर है, बुट्टे गाड़ी के ऊपर टेंट लग चुका है। और इधर भाई भी अपनी गाड़ी पे टेंट खोल रहा है, और इसका टेंट खोलने का तरीका ही अलग है यार। इंजीनियर आदमी समझ सकता है इस चीज को, हम तो ठहरे आईटी स्टूडेंट। एक तरीके से कहते हैं हार्ड टॉप टेंट है भाई का, एंड अपना सॉफ्ट सेल है, ये हार्ड सेल टेंट है ना। ये देखो ग्राउंड है, कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। इससे अभी चले हम शिकार करने, तो इसको लेके जा रहे हैं अभी लकड़ी काटने के लिए। लकड़ियां लेके आए हैं बहुत सारी इकट्ठी करके भाई। वो देखो लाइट, वो देखो घूम रहा, वो आगे जा भाई, चल वो वहां घूम रहे जाने, खरगोश है छोड़ यार, ले 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 ब्रो वापस ले ले, और क्या घूमने दे बेचारे, छोटा सा बच्चा है। ऐसे ग्राउंड के बीचों बीच हम, और यहाँ हम करेंगे बॉनफायर। एंड ये अपनी गाड़ी बिल्कुल अंधेरा, कुछ ना है, इसका एक लैंप हम ले चलते हैं चोरी करके। एंड भाई ने अपने टेंट को डेकोर भी किया है, ये देख सकते हैं आप, इसने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, एक बॉनफायर थोड़ा किया जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। इधर कैंप होता है ना, कैंपिंग लाइफ बहुत अलग होती है, ऐसे स्पॉट चूज करना। बाकी यार मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर आप कैंप कर रहे हो ना, दो आदमी हो ना, तो बहुत ही सेफ फील होता है। और इस लकड़ी को तोड़ने के लिए हमने बड़े स्ट्रगल किए थे, इसमें हमने गाड़ी को टोचन करके तोड़ के लाए हैं, एक कुल्हाड़ी तोड़ डाली इसके चक्कर में। हैप्पी लोडी गाइस, हैप्पी लोडी, बढ़िया वाइब सेट है, थोड़ा पीछे जाके दिखाना भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू करमवीर ब्रो।